हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टैफिक्सन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई नया स्मार्टफोन परचेज करने की, आपका बजट है समथिंग 15,000 रुपये के आसपास, 15,000 रुपये तक आप कोई अच्छा स्मार्टफोन देख रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 15,000। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अंडर 15,000 के अंदर काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं। बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होता है वो इसी प्राइस टैग के अंदर होता है, क्योंकि लगभग कंपनियां इस प्राइस टैग के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च करती है। मैंने जो टॉप 5 की लिस्ट बनाई है, ये मैंने सभी यूजर को ध्यान में रखते हुए बनाई है, क्योंकि किसी को कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, किसी को परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, किसी को बैटरी अच्छी चाहिए, तो उन सभी यूजर को मैंने ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को बनाया है। तो शुरुआत करते हैं टॉप 5 की। तो पहले 5वें नंबर से शुरुआत करते हैं। हमारी 5 नंबर के जो लिस्ट में आता है, जिसका नाम है Realme 2 Pro। अगर आप कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो Realme 2 Pro आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके फीचर की अगर मैं बात करूं तो स्नैपड्रैगन 660 पावर्ड है, 16.2 MP का बैक कैमरा और 16 MP फ्रंट कैमरा, 3500 mAh की बैटरी, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन कुछ दिनों पहले जब ये आया था उस टाइम पे नंबर 1 पे रहा था, लेकिन फिलहाल ये 5वें नंबर पे है। दोस्तों, नंबर 4 पे हमारे लिस्ट में आता है, जो कि फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है Honor 10 Lite। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप सेल्फी लवर हैं, सेल्फी लेना आपको पसंद है, तो ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.2 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में है। जो इसका कैमरा है वो है 13+2 MP का बैक कैमरा और 24 MP का सेल्फी कैमरा। सेल्फी लवर के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। 3400 mAh की अंदर बैटरी है, बैटरी थोड़ी सी कम है। Kirin 710 का जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो अगर आपको सेल्फी पसंद है तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको बैटरी वगैरह चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। बैटरी 3400 mAh है, ठीक ठाक है, चल जाएगा। दोस्तों, नंबर 3 के ऊपर जो आता है, जिसका नाम है Realme U1। अब ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन भी स्पेशली फॉर सेल्फी लवर्स के लिए ही है। अगर आपको सेल्फी के लिए अच्छा गेम फोन ढूंढ रहे हैं तो ये भी काफी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। Helio P70 के अंदर प्रोसेसर है, 6.2 इंच की डिस्प्ले है और कैमरा की अगर हम बात करें तो 13+2 MP का बैक कैमरा और 25 MP का सेल्फी कैमरा, वो भी सोनी के सेंसर के साथ में। बैटरी 4000 mAh के आसपास इसकी बैटरी है, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं। वाटर ड्रॉप नॉच वाले डिस्प्ले के साथ में आता है, तो सेल्फी लेना आपको पसंद है तो आपके लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। सेल्फी के लिए 2 स्मार्टफोन को मैंने अलग से इंटीग्रेटेड किया, जिसके अंदर Honor 10 Lite और ये जो Realme U1 है। अगर आप सेल्फी के लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, यानी कि आपको सेल्फी लेना पसंद है, तो ये 2 स्मार्टफोन से आप कौन से स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन ये आपके लिए है। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है Honor 8X। इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाला स्मार्टफोन है, ग्लास फिनिशिंग के साथ में आता है। ग्लास पीछे ग्लास, आगे ग्लास आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपको चाहिए बड़ी डिस्प्ले वाला फोन, तो ये फोन आपके लिए काफी अच्छा है। 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 20+2 MP का बैक कैमरा है और 16 MP का फ्रंट कैमरा है। बैटरी की बात करें तो 3750 mAh की बैटरी है, जो कि ठीक ठाक है। 4000 mAh दे देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बैटरी है। अगर बात करें इसकी डिस्प्ले, तो 6.5 इंच की है। Kirin 710 का प्रोसेसर है, काफी अच्छा स्मार्टफोन है। स्लो मोशन रिकॉर्डिंग आप इसके जरिए कर सकते हैं, सुपर स्लो मोशन आप इसके जरिए कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए बेहतर दिखने वाला स्मार्टफोन बड़ी डिस्प्ले के साथ में, और जो बैलेंस और जो बाकी सिस्टम वो थोड़ा बैलेंस हो, कोई चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए बड़ी डिस्प्ले वाला खूबसूरत दिखने वाला स्मार्टफोन, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 6.5 इंच की डिस्प्ले है, आराम से गेम प्ले कीजिए, आराम से वीडियो वगैरह देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है, शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा। जी हाँ, Asus ZenFone Max Pro M2। ये जो स्मार्टफोन है, ये हमारी लिस्ट के अंदर पहले नंबर पे आता है। वो इसलिए आता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहली बात, ये पावर्ड है स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 6.2 इंच जिसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि Gorilla Glass 6 से प्रोटेक्टेड है। Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन, 5000 mAh की बैटरी और 13+5 MP का बैक कैमरा, 13 MP का फ्रंट कैमरा और स्टॉक एंड्रॉइड इसको बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। अगर आपको चाहिए एक मतलब कंप्लीट पैकेज, अगर आपको चाहिए कि मेरे को बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा स्मार्टफोन जिसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चले, अगर आपको चार्ज नहीं कर पाते टाइम पर, आप ऐसा फोन चाहिए जिसकी बैटरी बहुत अच्छी चले, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पहले नंबर पे आता है। बाकी स्मार्टफोन को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको सेल्फी के लिए चाहिए तो Honor 10 Lite या फिर आप Realme U1 चूज कर सकते हैं। अगर आपको बेटर लुक और बड़ी डिस्प्ले वाला चाहिए तो Honor 8X को आप चूज कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको चाहिए कंप्लीट पैकेज तो Asus ZenFone Max Pro M2 आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड ये थे हमारी लिस्ट के टॉप 5 स्मार्टफोन, और भी दो तीन स्मार्टफोन और है जिसको मैंने इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि जिसमें से दो स्मार्टफोन मैं आपको बता देता हूँ, तीन स्मार्टफोन है जो इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हो पाए, जिसके अंदर मोटोरोला वन पावर जो कि बैटरी के मामले में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 636 से पावर्ड है, इसके अलावा रेडमी नोट 6 प्रो जो भी तो वो भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन, लेकिन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 होने की वजह से वो हमारे लिस्ट के अंदर नहीं आ पाया। इसके अलावा MI A2 वो भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, स्पेशली फॉर अगर आप बैक कैमरे के लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसका बैक कैमरा अच्छा हो, फोटोग्राफी आप करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है जिसके, और वो इसलिए शामिल नहीं हो पाया क्योंकि उसके अंदर ना तो 3.5mm ऑडियो जैक है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं है, तो इस वजह से वो हमारे लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 5 स्मार्टफोन जनवरी 2019 के, उम्मीद करता हूँ ये स्मार्टफोन आपको पसंद आएंगे। अगर आप इनमें से कोई स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इन स्मार्टफोन से रिलेटेड, अगर आप इन स्मार्टफोन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।